होता है तो उसके दिल और दिमाग पर जो असर होता है उससे ऐसा लगता है कि कोई शायर चुटकी भर शहद से समंदर के सारे खारे पानी को मीठा करने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छी आपके समाते हैं और वाकई जनाबे मोहतरम जनाबे तारिक साहिब किला ने बहुत अच्छा पढ़ा है और आप लोगों ने बहुत अच्छा समाप्त किया है। मिंबरे बाग पर आप लोग अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं के मौलाना फलाहुल मुस्तफा साहब किबला मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। वहीं पर मौलाना इरफान साहब किबला मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। मौलाना दानिश साहब किबला मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं और आज पूरे मुल्के हिंदुस्तान में बड़ी तेजी के साथ सफर करने वाला मुल्के हिंदुस्तान का अजीमोशान लहजा शाहकारे तरन्नुम जनाबे सलमान रजा अशरफी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। और कुछ ही लम्हात के बाद आप लोग अपने माथे के निगाहों से देखेंगे शायर अहले सुन्नत जनाबे इस्लाम रजा बरकाती मद्दाह रसूल बुलबुले बागे मदीना जनाबे अजीम अनवर बहेलवी शायर अहले सुन्नत जनाबे मोहतरम अजीम अनवर बहेलवी कुछ ही लम्हात के बाद मिंबर नूर की जीनत बनने वाले हैं। भाई एक शेर पढ़ता हूँ। खानवादे रजवियत का चश्मो चराग जिनको लोग हुजूर ताजू शरिया कहते हैं जिनको लोग हुजूर ताजू शरिया कहते हैं जब हुजूर ताजू शरिया का इंतकाल हुआ लोग गम के माहौल में पूरी दुनिया में गम का माहौल था। लोग परेशान थे। पूरी दुनिया से यही आवाज आ रही थी कि दुनिया सुन्नियत का सिकंदर चला गया। जब हुजूर ताजू शरिया का इंतकाल हुआ पूरी दुनिया गम में मुब्तला थी। हर जानिब से आवाज ही आ रही थी कि दुनिया सुन्नियत का सिकंदर चला गया। आहो बुकाती 400 अख्तर चला गया। आहो बुकाती 400 आहो बुकाती 400 अख्तर चला गया। और अब हम तो कदम कदम पर संभालेगा कौन हमको कदम कदम पर संभालेगा कौन अब। अरे जो था हमारा हामी और यावर चला गया। हमको कदम कदम पर संभालेगा कौन अब। हमको कदम कदम पर संभालेगा कौन अब। जो था हमारा हामी और यावर चला गया। पूरी दुनिया में गम का माहौल था। हर आशिकाने ताजू शरिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे लेकिन एक शायर ने लोगों को तसल्ली देते हुए एक नाद के मिसरे को लोगों को तसल्ली देते हुए ये कहा। आज पूरी दुनिया में लोगों को तसल्ली दी और कहा कि बरकतुल्ला कादरी की है अता अख्तर रजा। पहले दोबारा वही मिसरे सुन ले कि हमको कदम कदम पर संभालेगा कौन अब। हमको कदम कदम पर संभालेगा कौन अब। जो था हमारा हामी और यावर चला गया। शायर ने लोगों को तसल्ली देते हुए कहा कि बरकतुल्ला कादरी की है अता अख्तर रजा। है अता अख्तर रजा। जब दुनिया गम के माहौल में गम के समंदर में गोताजन थी लेकिन एक शायर ने लोगों को तसल्ली देते हुए समझाया कि बरकतुल्ला कादरी की है अता अख्तर रजा। है करामाते रजा का सिलसिला अख्तर रजा। है करामाते रजा का सिलसिला अख्तर रजा। और सुनियो घबराओ मत उम्मीद मौला से सुनियो घबराओ मत उम्मीद मौला से रखो। अरे जाते असजद में अभी है दूसरा अख्तर रजा। जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह। वाह 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 जिंदाबाद। सुनियो दोबारा सुन ले शेर था कि हमको कदम कदम पर संभालेगा कौन अब। जो था हमारा हामी यावर चला गया। शायर ने तसल्ली दी बरकतुल्ला कादरी की है अता अख्तर रजा। है करामाते रजा का सिलसिला अख्तर रजा। और सुनियो घबराओ मत उम्मीद मौला से रखो। जाते असजद में अभी है दूसरा अख्तर रजा। जाते असजद में
अभी है दूसरा अख्तर रजा जाते असद में, अभी है दूसरा अख्तर रजा अख्तर रजा। अब आइए उसी बरेली के सरजमीन से एक अदबी जमीन इल्म फजल का तैयार दरसो तदरीस की नगरी तक बहु तहारा का इलाका जिसको शहर बरेली कहा जाता है उसी जमीन से फैजान आला हजरत को आज पूरी दुनिया में आम कर देने वाला लहजा शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना पै करे तरन्नुम जनाबे मोहतरम सलमान रजा अशरफी बरेलवी को सुनने के लिए तैयार हो जाए। आइए पूरा मजमा एक इनकलाबी नारे के साथ इस्तकबाल कर ले और मोहब्बत से बोले नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे गौसियत या अल्लाह मसलके आला हजरत जिंदाबाद फैजाने ताजो शरिया जिंदाबाद बस्ती बस्ती करिया करिया ताजो शरिया ताजो दरिया इल्म का दरिया ताजो शरिया ताजो तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह यादगारे रजाउल मुस्तफा जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाह अकबर दरजमीने जोहरपुर जिंदाबाद नारे रिसालत या रसूल अल्लाह जी रहे थे तकल्लुम टपक पड़े जुम्बिश लबों को हो तो तकल्लुम टपक पड़े सलमान रजा अशरफी वो शायर है जो लिखकर नबी की नात अगर कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े वे शख्स सुभान अल्लाह जिंदाबाद वाह वाह वाह।